दोस्तों, इस बार जो वीडियो लेके आया हूँ भाई, इस बार लेके आया हूँ फिनाले। ATP मास्टर्स का फिनाले था और फिनाले खेला गया आज सुबह, मैच खेला गया। वैसे देखा जाए संडे में होता है, बट ड्यू टू चेंजिंग टाइम ड्यूरेशन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और रेन हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो गया। कैनेडियन ओपन में खेला गया था, नेशनल बैंक ओपन बोल दीजिए, और क्या शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। खास तो रूबलेव, जो रूबलेव इतने नीचे प्लेयर हो रहे थे, प्लेयर तो भाई बहुत ऊपर प्लेयर है, बट जिस तरह से 2024 डटा अच्छा नहीं डटा, बट 8 मास्टर्स टाइटल जीते हैं और लगातार दूसरी बार फिनाले में पहुंचे हैं। मतलब इस साल 2024 में तो बढ़िया प्रदर्शन है, लगातार नहीं बोल सकते बट सेकेंड टाइम बोल सकते हैं। दूसरों अलेक्सी पोपरिन क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स तो आया और इस बार पहुंचे फिनाले में। रूबलेव के साथ मैच था और रूबलेव को भी हरा दिया। ATP रैंकिंग 23 के खिलाड़ी वर्सेज ATP रैंकिंग 6 के खिलाड़ी थे, और जिसमें बाजी मारी है ATP रैंकिंग 23 के खिलाड़ी ने। पहला उन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर 2003 के बाद जिन्होंने ATP मास्टर्स टाइटल जीता है, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। फिलहाल दोस्तों और बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग से रेडी मिल सके। फिलहाल दोस्तों बात की जाए तो शुरुआत शुरुआत क्या हुई क्या नहीं हुई। शुरुआत में अगर मैं देखूँ तो भाई साहब एलेक्स पोपरिन का शानदार मैच था। एलेक्सी पोपरिन का शुरू में उन्होंने एक नहीं मल्टीपल टाइम सर्विस गेम ब्रेक की थी, शुरुआत ही ब्रेक सर्विस से की थी, और उसके बाद एक सर्विस होल्ड की, उसके बाद एक और ब्रेक की, जिसके चलते पहला सेट जीता 6-2 से। सेकंड सेट की बात की जाए, सेकंड सेट भी फर्स्ट सेट की तरह ही शुरुआत रही, शुरू में ही सर्विस गेम ब्रेक की, उसके बाद रूबलेव ने भी सर्विस गेम ब्रेक की थी जब 2-3 थे, तो 3-3 बराबर किया। उसके बाद एलेक्सी पोपरिन ने तुरंत सर्विस गेम ब्रेक बैठी, 4-3 किया और 8 सर्विस गेम लीड पे थे और वही रहे, 6-4 से सेकंड सेट जीते। पहला सेट 6-2 से, सेकंड सेट 6-4 से, और ATP मास्टर्स टाइटल जीत गया। बढ़िया प्रदर्शन किया वो, अल्लाह जो मास्टर्स है सिनसिनाटी मास्टर्स में खेलेंगे और 4 यूनिट वो भी जीता जाए। फिलहाल रूबलेव अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए, फिनाले में इतना अच्छा नहीं लगे, और 4 ओवर की फिनाले तक एक बार फिर से पहुंचा जाए और फिनाले भी जीता भी जाए। फिलहाल दोस्तों थोड़े स्टैट्स की ओर बढ़ते हैं। स्टैट्स में देखा जाए एलेक्सी पोपरिन 10 ACE लिए, दूसरी ओर रूबलेव 4 ACE लिए, डबल फॉल्ट। रूबलेव ने ज़्यादा की और एलेक्सी ने कम किए, देखा जाए ACE ज़्यादा लिए डबल फॉल्ट कम किए, तो ये दो अच्छी बातें हैं। और ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्जन, ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट भी ज़्यादा किए, 4 बार रूबलेव के ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट किए और रूबलेव ने 5 बार ब्रेक पॉइंट सेव सर्विस सेव की। दूसरी ओर देखा जाए एलेक्सी ने भी 5 बार सर्विस गेम सेव की और 1 ही बार सर्विस गेम उनकी ब्रेक हुई, वो भी सेकंड सेट में, जिसके चलते देखा जाए एलेक्सी पोपरिन का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा और मैच जीते विद इन 2 स्ट्रेट सेट्स में। अगर दोस्तों देखा जाए उनके बीच में हाल ही में 3 मैचेस हुए हैं जिसमें एलेक्सी पोपरिन दूसरी बार मैच जीते हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी पॉजिटिव रहा है। क्या लगता है दोस्तों दोनों प्रदर्शन कैसा करेंगे, इसके बारे में बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।